ये है एप्पल ए टैग और ये है जियो टैग, या फिर बोलूं एप्पल ए टैग की सस्ती कॉपी। इसे हम टेस्ट करेंगे, बैग, कीज, एंड्रॉइड, आईओएस, इवन कार को भी ट्रैक करके देखेंगे कि कितना दूरी तक और ये कब तक ये ट्रैक करता है। लास्ट जनरेशन का प्राइस इससे आधा था और उसमें फीचर्स भी इसके आधी दी गई थी, और हाँ, उसको आप एप्पल के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, बट दिस इज अपग्रेडेड और इसका प्राइस भी दुगना हो गया है, फीचर्स भी दुगनी हो गई है। एप्पल से कंपेयर करोगे तो एप्पल का प्राइस इसके प्राइस से दुगना है। तो मतलब जनरेशन के दो टैग्स आप ले सकते हो तब आपका एप्पल ए टैग एक सिंगल आएगा। अनबॉक्सिंग से शुरुआत कर लेते हैं। ये है जियो टैग ए, फाइंड माय एप्पल के साथ अब ये काम करता है। प्राइसिंग है 3000 रुपए के आसपास। एक यूजर मैनुअल है, वारंटी कार्ड भी इन्होंने इतना ही बढ़ा दिया है। स्लीक सी पैकिंग है, मैंने ब्लैक कलर में ऑर्डर किया था। साथ में है इसमें दो चीजें, एक है ये कॉइन सेल और दूसरा ये डबल साइडेड टेप। ये पिछले वाले के मुकाबले ना थोड़ा सा स्लीक हो गया है, छोटा हो गया है। स्पीकर भी इसका अपग्रेड कर दिया गया है, डिजाइन ऑलमोस्ट सेम ही रखा गया है। यार बॉक्स भी छोटा कर दिया इन्होंने, बिल्कुल कॉम्पैक्ट। यहाँ पे एक बटन दिया गया है जो पैटर्न है, जिसको प्रेस करते ही बिल्ट काफी स्टडी है, और हाँ इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। मतलब फील नहीं होता, एक छल्ले की तरह होता है, जो नॉर्मल हम चाबियों में छल्ला डालते हैं उतना ही वेट है। वो थोड़ा सा प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का दिया गया है। अब iOS और Android दोनों में ही आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, और एप्पल के जो iOS नेटवर्क है उससे भी ये लिंक करके आपको अपनी लोकेशन बताएगा। अब कंपनी क्लेम करती है 50 मीटर मैक्सिमम, और वो भी तब है जब दिख रहा हो चीजें, तब है, अदरवाइज 20 मीटर का क्लेम करती है। ये नोटिफिकेशन देगा आपको लॉस्ट होने का, आप इससे अपने डिवाइस को फाइंड कर सकते हैं जो बीप करेगा। iOS Android दोनों में काम करेगा और आप डायरेक्ट अपने फाइंड माई डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ऐड अदर थिंग्स पे जाके क्लिक करना है और वहां पे आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार रजिस्टर हो जाएगा ना तो फिर ये रीसेट करने से पहले किसी और डिवाइस से कनेक्ट ही नहीं होगा। इसी काफी सारी फीचर्स हैं जो इसके मोबाइल ऐप से आप कंट्रोल कर सकते हो। चलो फाइनली टेस्ट कर लेते हैं इसको। जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये तो सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस है। अभी मैं यहां पे बैठा हुआ हूं, ये भी बता रहा है योर टैग इज नियर बाय। रिंग करते हैं, वहां से आवाज आ रही है। जियो टैग इज वेरी नियर, बट ये प्रिसाइज लोकेशन अभी भी नहीं दे रहा है। मैं सिर्फ एक फ्लोर चढ़ के ऊपर आया हूँ, 20-30 मीटर भी नहीं होगा ये, और यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट भी हो गया है, मतलब रिपोर्ट एज डिस्कनेक्टेड। फिर से कनेक्ट हो गया है, मतलब सीधे सीधे 10-20 मीटर तक ही ये पूरा प्रॉपर कनेक्टिविटी दे रहा है अदरवाइज। अब है इसको गाड़ी में रखने की बारी, एंड इट्स डन। चलो अब ट्रैक कर लेते हैं इसको, बट ये तो मूव ही नहीं कर रहा है, थोड़ा सा भी नहीं, शायद डिस्कनेक्ट हो गया है। अरे आ गया आ गया। जब नेटवर्क मिलता है तब ये अपनी लोकेशन को अपडेट करता है, और मतलब रेगुलर अगर नेटवर्क मिलता रहेगा तो ये अपडेट करता रहेगा, अदरवाइज ये चला जाता है। बट रिमेम्बर, बहुत प्रिसाइज लोकेशन नहीं मिलती है जैसे एप्पल ए टैग में दी गई है, वो वाला हिसाब नहीं है। चलो सम अप कर देते हैं कि क्या क्या इसमें है। और पहला, ये 20 मीटर की रेंज तक तो कनेक्टिविटी रखता है, उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, और डिस्कनेक्शन का अलर्ट ये देता है सिर्फ एंड्रॉइड में, iOS में नहीं देता है। इसमें एक फॉरगॉट अलर्ट दिया गया है, जब आप आउट ऑफ रेंज जाते हो तो ये अलर्ट कर देता है कि भाई वो डिस्कनेक्ट हो गया है डिवाइस। जैसे अगर आप घर से निकल गए और आपकी चाबियां रह गई हैं, तो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको अपने स्मार्टफोन के ऊपर, तो जिससे आपको याद रहेगा कि हाँ भाई वो चीज पीछे छूट गई है। या फिर घर में कहीं कोई चीज रख के आप भूल गए हो तो इसको फाइंड करने में काफी काम आता है। बट ये एप्पल ए टैग जितना एक्यूरेट नहीं है। एप्पल ए टैग तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एरो करके लोकेशन दिखाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये आपको ये दिखा देगा कि आप नियर बाय हो, आप बीप करा सकते हो, फिर ढूंढना तो आपको पड़ेगा। लॉस्ट मोड है, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इसकी, जो मुझे पर्सनली पसंद आती है। ये ना दूसरे मोबाइल्स का नेटवर्क इस्तेमाल करके, फाइंड माय नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन आपको सेंड करेगा। और इसमें ना आप अपना कस्टमाइज मैसेज भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुत्ता है उसके गले में आपने बांधा हुआ है और वो कहीं भाग जाता है, तो लॉस्ट मोड ऑन करोगे, उसमें आप कस्टमाइज मैसेज सेंड कर सकते हो, मतलब अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल सकते हो, तो जिस बंदे को टैग मिलता है तो वो टैग उसको मैसेज डिस्प्ले करेगा, वो वाला मैसेज जो आपने छोड़ा है, और फिर वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो iOS में नहीं है। रिंग टू फाइंड फोन, आप इससे फोन को अपने को रिंग नहीं करा पाओगे। रीकनेक्शन अलर्ट और डिस्कनेक्शन अलर्ट जैसी फीचर्स आपको iOS में नहीं मिलेंगी, और एंड्रॉइड में डिवाइस शेयरिंग वर्क नहीं करता है। अब इस फीचर के साथ ना फ्रॉड भी साथ में आ जाते हैं। जैसे अगर आपने देखी है पुरानी वीडियोस, बहुत सारे लोगों ने ना एप्पल ए टैग के साथ फ्रॉड करना भी शुरू कर दिया था, तो उसको टैकल करने के लिए ना 2-3 चीजें बनाई गई हैं। पहला, अगर आपके आसपास में, आपके रेंज में कोई ए टैग आता है, कोई भी एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हो, आईपैड, ओएस, मैक, उसमें ना नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई आपके आसपास कोई टैग है जिससे आप फाइंड कर सकते हो कि वो कहां लगा हुआ है, और उसको नेसेसरी फेंक सकते हो जिससे आपकी लोकेशन ना जाए। दूसरा, अगर आपके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है, डिवाइस नहीं है, टैग होता है, अगर वो फाइंड माय नेटवर्क वाला टैग है और वो अपने ओनर से काफी टाइम के लिए दूर है, दूर ही जा रहा है, तो वो अपने आप बीप करना शुरू कर देगा, जिससे जो भी इंसान के पास वो है उसको पता चल जाएगा कि भाई उसके आसपास, उसके बैग में, उसकी गाड़ी पे कोई टैग लगा हुआ है। ये भी एक अच्छी चीज है जिससे ना चोरी वगैरह या फ्रॉड्स को रोका जा सकता है। देखो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है ना वो ठीक ठाक रहा है। ये अपग्रेड हो गया है, काफी सारी चीजें हो गई हैं, बट स्टिल इसमें वो प्रिसाइज लोकेशन अभी भी नहीं है जो एप्पल ऑफर कर रहा है, और आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कहीं कहीं चीजों के लिए। बट हाँ,
काम की चीज तो है ये। लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हो। और कमेंट सेक्शन मेंशन करके जरूर बताना अगर आपने इस डिवाइस को एक्सपीरियंस किया, यूज किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियो के अंदर।